Hi guys, this is Shilpa Singh Rajput. Namaste guys, this is Krishnamal Singh. Welcome back to our channel Shilpa Views. So guys, कैसे हैं आप लोग? I hope आप लोग तंदुरुस्त होंगे, बहुत ही अच्छे होंगे. तो गाइज, आज मैं एक और हम लोग एक और एक्सप्लोर वाली वीडियो लेके आए हैं. वीडियो का नाम है कुमरत वैली अपर ड्रिप के पी के ड्रोन 4K. तो आज हम के पी के देखने वाले हैं अगेन, कुमरत वैली देखने वाले हैं और ड्रोन व्यू देखने वाले हैं. तो ऊपर से बहुत खूबसूरत नज़ारे देखने को मिलने वाले हैं. तो दिल थाम के बैठ जाइए, कॉफ़ी वॉफी पी लीजिए. पीएजनी साथ में पीना. हाँ, और ये जो ओरिजिनल वीडियो की लिंक है आपको मिलेगी डिस्क्रिप्शन में. काफ़ी अच्छी वीडियोस बनाते हैं, 4K में बनाते होंगे, ड्रोन से तो सभी कुछ कवर हो जाता है. ऊपर से जो सीन आता है क्या कहना है उसका. और केपी के देखने वाले हैं तो ये भी और एक मस्त बात है. स्टार्ट करते हैं वीडियो को. हेरवी को यहाँ से तो ग्लेशियर भी दिखता है, सामने हिमालय दिखते हैं. चलो वन टू थ्री एंड स्टार्ट. ये जो ये पेड़ दिख रहे हैं ना, इतने छोटे छोटे, एक्चुअली में बहुत बड़े बड़े होते हैं. मुझे पता ही नहीं है सही में. शट अप यार, ये जो छोटे, वाओ दस दिन ऐसी वाली जगह पे रहो, कैंपिंग करो, सुबह उठ के या फिर कभी भी इस पानी में नहाओ. ठंडा पानी होता है ना बहुत. ठंडा हो तो क्या हो गया. हाँ वैसे ही जगह, यहाँ का पानी थोड़ा अलग कलर का नहीं लग रहा, थोड़ा ब्लूइश टाइप. साफ पानी है, प्योर पानी. वाओ, मछलियां भी होंगी ना इसमें. आई डोंट नो. वाह, कितना प्यारा लग रहा है ना पेड़ों के बीच में से. ये बहुत ही अच्छा सोर्स है पता है ऑक्सीजन का. इससे ये पानी मतलब हमेशा हरा भरा रहेगा, मतलब सूखेगा नहीं. और ऐसी जगह पे जो एनिमल होते हैं इतने खूबसूरत होते हैं ना यार, बड़े बड़े बाल होते हैं उनके, हेयर इतने लंबे लंबे होते हैं. कोई भी भेड़ हो गया, चाहे डॉग हो गया, हॉर्स होंगे, याक होंगे, नेचुरली भगवान उनको हेयर्स देते हैं ना, बहुत अच्छे लगते हैं. ऐसे ही है कि नदी के साइड में घर बने थोड़े थोड़े. घर नहीं है, खेत है. हाँ खेत में था, एक आध दुख का घर है. कहाँ है घर? अंदर है, पेड़ों के नीचे. झरना, बाप रे, यहाँ फिसलन कितनी होगी. ये तो वो मूवी चल रही है क्या, वो कौन सी मूवी में था ऐसा, वो झरने पे चढ़ जाता है, बाहुबली. हाँ यार, बाहुबली यहाँ शूट हो सकती है, काफी बड़ा झरना है. देखो मैं बोल नहीं रहा हूँ, घर भी है बीच बीच में. इट्स नॉट घर, घर ही है छोटे छोटे. ये नर्सरी है. घर है, घर घर नर्सरी है. मस्त घर बनाया है. वाह, ये तो कितने खुले में घूम रहे हैं. कितना सारे मिल जाएंगे घोड़े वगैरह वहां पे, ऐसे ही मिल जाते हैं देखने के लिए. है ये रहे घर. हाँ तो मैं क्या बोल रहा था इधर से, वो बहुत दूर है. ठीक है, वहीं पे ही है भेड़ और ये सब. यहाँ के लोगों का जो दिल होता है ना, कैसा होता है, बड़ा सा होता है ना. ऐसी जगह का एक चीज़ अच्छा होता है, यहाँ पे ठंडक रहती है हमेशा और कभी आपको एसी वेसी की जरूरत नहीं है. हाँ तो विदाउट फैन ही आपका मस्त काम चलता होगा. सोचो ये जो की आवाज आ रही है. हाँ, ये जो व्यूज है ये खुद नहीं देख सकते हम लोग ऐसे वहां चढ़ चढ़ के, लेकिन ड्रोन के लिए मतलब हमारे ड्रोन के थ्रू हमारे लिए पॉसिबल हो रहा है सब देख पाना. camps.pk. जी गाइस, तो ये थी वीडियो.
खूबसूरत लगा मुझे। और ये जो पेड़ों के कलर एकदम डार्क ग्रीन, ऐसा लगा था बारिश के मौसम में शूट हो रखा है ये वीडियो, बिकॉज इतना ग्रीन 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 और पानी बिल्कुल साफ सुथरा और बहुत ही सही लग रहा था, जोरदार लगा। और ड्रोन, अगर ये व्यू कोई व्लॉग होता या फिर ऐसा होता तो ये व्यूज इतने ऐसे नहीं दिखते जैसे ये ड्रोन की वजह से दिख रहे थे, राइट। वो ऊपर से पूरा लाइक पहाड़ों पे जो लगे हुए थे ना वो पेड़, बहुत सही लग रहा था। और मुझे बहुत अच्छा लगता है ऐसी जगह पे हाइकिंग करना, कैंपिंग करना, अच्छा लगता है लेकिन किया नहीं है। मुझे ऐसा लगता है यार, मुझे ऐसा लगता है कि ऐसी जगह हो जहाँ या तो डेजर्ट हो या फिर कोई ऐसी माउंटेन वाला एरिया हो या फिर कोई सी हो, वहाँ पे हम लोग ना कैंप लगा के रहे। अगर ऐसी जगह पे पता है मुझे सिर्फ दो चीज मिल जाए ना, खाना हो, वैसी बात है सब कुछ चाहिए। अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी मिल जाए और इंटरनेट मिल जाए ना तो मैं ऐसी जगह पे बसने के लिए रेडी हूँ, और मुझे इससे ज्यादा कुछ नेसेसरी है ही नहीं। मिल रहा मुझे नहीं लगता, अगर जहाँ पे क्या बोलते हैं इंटरनेट पहुँच जाएगा ना, वहाँ की खूबसूरती में इतना मज़ा नहीं रहेगा, क्योंकि फिर हम उस खूबसूरती को देखेंगे ही नहीं ना, हम अपने फ़ोन में ही घुसे रहेंगे या फिर हम अपने लैपटॉप में घुसे रहेंगे। इंटरनेट नहीं होगा तो ये चीज़ भी है कि कम से कम मैं वो जो चीज़ फील कर रहा हूँ, जो एंजॉय कर रहा हूँ, मैं कम से कम वो कुछ रिकॉर्ड करता हूँ, कुछ बनाता हूँ, जो मैं वो कम से कम अपने ऑडियंस को दिखा पाऊँगा, या फिर मैं उस जगह पर भी रह के रिएक्शन वीडियो बना पाऊँगा, है ना। अब काम के बिना तो कोई कैसे सर्वाइव कर सकता है, पर जो लोग वहाँ रहते होंगे उनके लिए लाइफ आई थिंक बहुत डिफिकल्ट होगी, क्योंकि वो बहुत ही पहाड़ों वाला इलाका था। तो पहाड़ों पे चीजें पहुँचा लाना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, लाना ले जाना बहुत डिफिकल्ट होता है, और ट्रांसपोर्टेशन थोड़ा मुश्किल होता है। रोड्स मेरे को वहाँ पे नहीं दिखी, और ये थोड़ा अंदर के साइड का था, ये कुमरत वैली थी। और आप लोगों में से कोई यहाँ पे गया है या नहीं गया है जरूर बताना, कमेंट सेक्शन में जाके आए हो तो जरूर अपनी पिक्चर शेयर करना फेसबुक पेज पे। और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करना, शेयर करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। कृष्णा व्यूज एक और हमारा चैनल है, उसको भी जरूर चेकआउट करना, उस पर तो आपको हजारों वीडियो मिल जाएंगी, हजारों नहीं है वैसे 700 वीडियो है, लाखों वीडियो करोड़ों वीडियो इधर पड़ी हुई है। आप लोगों को बहुत मजा आएगा वीडियोस देखने में आई एम श्योर। और बस इतना ही आज की वीडियो के लिए, फिर मिलेंगे हम आपको ऐसे किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी गाइस, नमस्कार।